धरती पर बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब और रहस्यमय जगह है जिनके बारे में जानकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ रहना तो दूर की बात, वहाँ लोग जाने से भी कतराते हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय और बेहद ही डरावनी जगहों में से एक कैटाकोम्बस ऑफ पेरिस, जो कि फ्रांस के पेरिस इलाके में स्थित है, जिसे कब्रों का तहखाना भी कहा जाता है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। मैं हूँ आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं 0.3 स्क्रीन। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फैशन की नगरी पेरिस में एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ एक दो नहीं बल्कि 60 लाख से भी ज़्यादा लोगों की खोपड़ी और हड्डियों को दफनाया गया है। इस बेहद ही डरावनी जगह को कैटकॉम्बस ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ जमीन में 20 मीटर की गहराई में एक तहखाना है जिसमें लाखों मुर्दों की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दफनाई गई हैं। दरअसल 17वीं शताब्दी में पेरिस की आबादी तेजी से बढ़ने लगी, साथ ही साथ लोगों की मौत की संख्या भी बढ़ने लगी। कब्रिस्तानों की कमी की वजह से बहुत सी लाशें सड़ने लगी थी। ऐसे में सड़ते हुए लाशों से बीमारी फैलने का डर था। तब उस दौरान में शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में भी कब्रों की संख्या ओवरफ्लो कर गई थी। ये देखते हुए प्रशासन ऑफिसर्स कब्रिस्तानों को खाली कराने का कोई तरीका सोचने लगे ताकि नई मौतों का अंतिम संस्कार किया जा सके। इस बीच शहर की सबसे बड़ी कब्रिस्तान सेंट इनोसेंट सेमेस्ट्री की एक बड़ी दीवार गिर गई। इस पर फ्रेंच ऑफिसर्स ने एक मीटिंग बुलाई और शहर के एक हिस्से पर गहरी और लंबी चौड़ी खुदाई करके कब्रगाह बनाई गई। इसके बाद पुराने कब्रिस्तानों से सारी लाशें निकाली गई, उन्हें ढोकर उस जगह पहुंचाया गया जहां तहखाना तैयार हो चुका था और फिर उन अधगली लाशों को तहखाने में एक साथ दफनाया गया। इस तहखाने को एक सुरंग के रूप में बनाया गया था। लाशों को ढोने और तहखाने तक पहुंचाने की मुहिम साल 1780 से 1814 तक चली। एक तरफ लाखों लाशों को तहखाने में डाल दिया गया, वहीं बहुत सी लाशों को कब्र समेत तहखाने में रख दिया गया। माना जाता है कि ये तहखाना लगभग 320 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तहखाना कितना बड़ा है। इसके काफी बड़े हिस्से में क्या है ये किसी को भी नहीं पता। कब्रों का यह तहखाना भले ही डरावना हो लेकिन इसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। पहली बार इस तहखाने को साल 1874 में लोगों के लिए खोला गया था। तब से लेके अब तक करोड़ों लोग यहाँ घूमने आ चुके हैं। हालांकि यहाँ जाने से पहले लोगों को हिदायत दी जाती है कि अगर वो किसी खास गंध संकरी जगह या हड्डियों को देखने से डरते हैं तो यहाँ ना जाएं। कई बार ऐसे भी वाक्य सामने आए हैं कि कुछ एडवेंचर पसंद करने वाले युवक भीतर प्रवेश निषेध वाले हिस्से में चले जाते हैं और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आते। तहखाने में अजीबोगरीब वाक्य होते रहते हैं। साल 2004 में पुलिस सुरंग के खाली हिस्से में किसी ट्रेनिंग के लिए पहुंची थी। सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में आगे बढ़ने पर पुलिस वालों को अंदर ही एक सिनेमा हाउस और नाइट क्लब मिला। यहाँ फोन और पावर लाइन्स भी थी और तो और एक सीक्रेट कैमरा पुलिस वालों को देख रहा था। जब आसपास के हिस्सों की जांच पड़ताल की कोशिश की गई तो उन्हें एक नोट मिला और नोट में लिखा था कि हमें खोजने की कोशिश मत करें। ये पढ़ने के बाद पुलिस वालों को तुरंत वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। आज भी ये तहखाना अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। और आपका इस तहखाने के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।